उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी पूनम पंडित। जी हां दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मां से ज्यादा दूर रह नहीं सकता, लेकिन जब पूनम पंडित अपने गांव काफी दिनों के बाद पहुंची तो अपनी मां को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल भी हो रहा है, लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां यूपी में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, जहां सियाना विधानसभा से पूनम पंडित को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था, जहां पर पहले चरण में पूनम पंडित को काफी लोगों ने वोट भी किया है। लेकिन अब एक वीडियो पूनम पंडित का भावुक कर देने वाला इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मां को देखकर फुट फुट कर रो पड़ती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 फरवरी को यूपी में जहां 5वें चरण का मतदान होने वाला है, जिसके बाद से लगातार पूनम पंडित भी लगातार अलग अलग जगहों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोड शो और जनसभाएं करते हुए नजर आई थी। लेकिन इसी बीच पूनम पंडित का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो कुछ ही दिनों पहले का है, जब पूनम पंडित सियाना विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम करी थी, जिसकी वजह से वो अपने गांव नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से वो अपनी मां से भी काफी दिनों तक दूर रही थी चुनाव को देखते हुए। लेकिन जैसे ही सियाना विधानसभा में पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, जिसके बाद वो अपने गांव पहुंची, तो वो अपनी मां को देखकर गले से लगती है और फिर फुट फुट कर रोने लगती है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।